पांडिचेरी एंड एंडमेंस, पुलिस की भी आपकी भी धानी दिल्ली एंड एंडमेंस, इतनी उम्र के बाद इधर आया और तो आपकी पढ़ाई में मेरी फीलिंग ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको सेल्फ पढ़ना है, ये कोई आपको टीचर नहीं चाहिए। इम्तिहान के लिए टीचर थे आपके दाने से, आपने सेल्फ स्टडी करके पास हुए ना, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, इसकी भी सेल्फ स्टडी जरूरत होता ही है कि हम लोग ऐसे आते हैं और सोचते हैं नाउ अब मुझे क्लास लगानी है, कोई क्लास नहीं है, इट्स लाइक वन मोर सेल्फ स्टडी लेवल। हम लोग ये गलती करते हैं और हमारी ट्रेनिंग में भी गलती ये है, हम ये नहीं कहते ये लो बुक्स रिसर्च करो स्टडी करो आके डिस्कस करो और फिर ध्यान दो, हम क्लास लगाते हैं और क्लास लगाते हैं उस टीचर से जो कि कईयों का नॉलेज आउटडेटेड हुआ हो क्योंकि वो दोबारा अपग्रेड नहीं हुआ और लॉ तो चेंज होता रहता है, न्यू जजमेंट कम्स, न्यू अमेंडमेंट कम्स, लेकिन वो टीचर अप टू डेट नहीं है तकरीबन, अंदर से वो बड़ा डायनामिक टीचर। सो आपकी ट्रेनिंग की स्टेज जो है, लेट्स फोकस ऑन ट्रेनिंग स्टेज एट द मोमेंट, क्योंकि वो तुम्हारी बुनियाद है, इट्स गोइंग टू बी योर फाउंडेशन। सो आई सजेस्ट यू शुड नो व्हाट द सिलेबस इज, व्हाट इज दैट यू वांट नीड टू लर्न, व्हाट ऑल। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या नहीं जानना चाहिए आपको, आपको आज क्या नहीं जानना चाहिए मुझे एलिमिनेट करके दिखा दो, कोई भी चीज़ नहीं। पुलिस से जितने लॉज हैं वो आपके, जितने रूल्स हैं वो आपके, जितनी जजमेंट्स हैं वो आपके, आप मुझे बता दो क्या क्या एलिमिनेट करना चाहते हो। इज नथिंग, द ओनली थिंग वेर यू नीड द पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एंड कॉलेजेस इज आउटडोर ड्रिल, फायरिंग प्रैक्टिस, scientific aids to investigation, terrorism actions, these are the things, cyber crime, these are the new areas where you need the police training school. But for reading the law, reading the rules and the manuals, do you need a classroom? I don't think so. Hum log chahe wo national police academy hai, chahe wo police training college hai apna, hum log बनस्पत के इन चीज़ों पर ध्यान देने के बदले हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि आप बेटर है खुद पढ़ें और आकर डिस्कशन करें कि नाउ ओके वी आर, हम लोग ये कानून पढ़ रहे हैं, नाउ व्हाट इज इट दैट यू हैव टू से, यू विल ऑल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड यू विल हैव टू टेक अ डिस्कशन एंड आई वुड थिंक दिस इज द व्हाट इट इज। हु इज योर ट्रेनर, हु इज योर प्रिंसिपल एट द मोमेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज? एडिशनल सीपी मिची पाकू सर, एडिशनल सीपी मिची पाकू सर। सो Maybe you could tell them this is what Kiran said. This stage is different. After all, sabji ne 12-12 ghante khud padh ke aaye ho na, DANIPS mein aise thodi aa gaye. Lakhon re imtihan lete hain, usme se aap select hote. So meri suggestion ye hai ki classroom par aapne nahi, mera pehla suggestion aapko ye hai ki ab aap training stage pe hain. Hame nahi bataya tha kisi ne jab hum log bane kiya tha ki dekho ye to aap hi IPS karke aaye ho, khud padho और आपको बताओ क्लास लो करके, यू शुड बी आस्क्ड टू टेक अ क्लास। मान लीजिए मैंने आपको समझाया एक कानून या कहा ये सेक्शन पढ़ के आना या ये एक्ट पढ़ के आना, एक्ट, तो मैं कहूँगी अच्छा एक्ट पढ़ के आए रहो क्लास लो, तो आपको मालूम नहीं है कि प्रिंसिपल किसको बोल दे क्लास लो, तो तुम नोट्स भी प्रिपेयर करके आओगे, पढ़ाई भी करके आओगे और टीचर बन जाओ, और तुम सब टीचर लेवल हो, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एट अ स्टेज वेयर एनी वन ऑफ यू कुड हैव बीन अ lecturer somewhere, isn't it? Yes. Then why should you be a student? Why should you be a classmate? You should be lecturers now. So I should say, acha, tomorrow we are going to study, let's say, we are going to state the POXO. We are going to read Domestic Violence Act. Padhke aana sab jane. Come, take a class. Then
let that person become a teacher of that day for that law. That means you've all studied, you've applied your mind, and then apne apne background se you will remember ha ye case hua tha hum aise use kar sakte hain aur isme judgment latest kya hai wo bhi lekar aao. So tumhari training ka meri feeling ye hai ki your learning stages are usse kya hoga aapki mastery better hoti hai. ना कि क्लास में सुनो सुबह से थके हुए सोए हुए हो उठा रहा क्लासरूम टीचर आपको उठाने की क्या जरूरत है पढ़ो और आके क्लासरूम व्हाट इज इट इज दिस हैपनिंग दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद द ट्रेनिंग व्हाई डोंट यू गो एंड टेल योर टीचर मैडम और सर और हूएवर इट इज व्हाई डोंट यू गिव अस द लॉ वी विल स्टडी गो टू द लाइब्रेरी स्टडी दैट मीन्स सेल्फ स्टडी एंड टेक अ क्लास. And we do not know who will take the class. Why should I tell you first ke kaun class lega? And I should rate you on a regular basis how you took the class. To me, that's your test. And then that person can take the test. Wohi padhaye aur wo bhi test bhi le aur phir ye log questionnaire bharo. Objective type mein. Ye case hua kaun sa section lagega? Ye case hua kaun si judgment last is pe? You will all be masters. This is not what has happened in your earlier batches of DANIPS or even in the IPS. Training is the same. How does it matter? Whether it's IPS or DANIPS, how does it matter? Training is the same. On the contrary, you will be closer to the work than the IPS officer. Because you are going to stay closer to the ground than the IPS who is going to go on into more supervision levels. Though the supervisor also needs to be very thorough. Supervision cannot be thorough without knowing the job. So what would you like to do with this suggestion? We'll take it back to the supervisor. Yeah. I think that's the need of the hour. What you really need to have on people like him, like Michael, those of you, second thing which you really need police training school is IT training, where you do need to have extra classes for a class teacher who teaches you the IT and the cyber, because you are going to serve the country for the next 30 years on cyber crimes, and everything is going to be e-crime. So much of cheating is no more normal 420. Cheating now is all cyber, which is international. So how will you learn that? That is where you need to. So your whole training needs to become reoriented. I think you need to demand it. Ab kuch puchoge, hum kaise bole, how, who will? I think as a collective thing, you can ask. You can say, sir, ma'am, can we have this instead? And leave these acts to us. We will study the acts. We will train each other. But these are the areas where we really need a hands-on instructor who teaches us. And you can identify those subjects. जो आपको घर में बैठ के नहीं कर सकते सिर्फ बुक से नहीं कर सकते यू नीड अ लेबोरेटरी. सो आई एम जस्ट मेकिंग इट थिंक. सेकेंड थिंग इज योर फोरेंसिक्स, बिकॉज टुडे इज ऑल गोइंग टू बी साइंटिफिक एड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दैट द बुक दैट अगेन यू नीड डिस्कशन, बट फोरेंसिक्स इज नॉट, दैट मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद फोरेंसिक साइंटिस्ट्स. Again, practical. They should allow you, if you could allow, be allowed to spend a month or so or weeks in forensic science laboratory, where ek baal uthaya, ek nail uthaya, ek fingerprint uthaya, ek fabric uthaya, right? Kuch ek blood, ek urine ka, ek cigarette butt uthaya. Wo kahan gaya? Wo uska kaise aap source par pahunch chuke? So it's not criminal to crime, but crime to the criminal. Purana zamana was all criminal to crime. Ah, pata chal gaya, isne chori ki hai. Toh, isko thoko, pata kahan gaya. So it's criminal to crime, but not crime to the criminal. Now a stage is coming when it will be crime to the criminal. How will you do that? It's all by forensics. And then e-surveillance. So it's all forensics and e-surveillance, forensic audit. हर चीज़ ऑल्टर होके आई होगी.
मेरी सजेशन आप आए ना इनके इंचार्ज, बोलना मैडम ने ये बोला सजेशन दूंगी, नंबर वन इज ये कि आप डिवाइड द सिलेबस इनटू टू, वन इज सेल्फ द अदर इज व्हेट पीटीसी मस्ट गेट. सो सेल्फ में सेल्फ एजुकेशन सेल्फ ग्रेडिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग, उसमें भी टेस्टिंग होगी लेकिन इनकी नॉलेज बेटर हो जाएगी. और दूसरा है जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना, तो फिर हमारे पास एक नई ब्रीड आएगी दानिप्स की जो कि बहुत कामयाब होगी, वो बड़ी कॉन्फिडेंट निकलेगी और वो पब्लिक का सेवा ज़्यादा कर सके. और तीसरी चीज़ मेरे सजेशन ये है कि आप दिल्ली में कोई भी क्राइम हो वहाँ पहुँचो, अभी से सीखो और कचहरी की प्रोसीडिंग्स देखो, प्रैक्टिकल ऐड करते जाओ. थर्ड थिंग इज प्रैक्टिकल. इफ़ यू कैन डू दीज थिंग्स क्या होगा, वहाँ जाके आप अप्लाई करोगे जो कानून सीखा, ठीक है, तो आपका दिमाग चलने लगेगा. तो आप ज़रूरी नहीं है जब आपकी पोस्टिंग होगी तभी जाएंगे, आपने ये दो साल का पूरा फ़ायदा उठाया. बिकॉज यू आर नॉट फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट्स. सो वाई शुड आई टेक यू बैक टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, वाई शुड आई नॉट टेक यू टू पोस्ट ग्रेजुएशन वे यू लर्न प्रैक्टिकल. तो तीसरी चीज़ ये दे दो. आई थिंक ये तीनों चीज़ें, तीसरी चीज़ का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको फील्ड जाके सीखोगे, हर टाइम नया क्राइम होगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है देखो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को देखो, वहाँ आपको फेलियर और सक्सेस पता चलेगा क्या कर रहे थे, उससे आपको दूसरे की गलती से सीखने का मौका मिलेगा. सो योर इंस्ट्रक्टर योर प्रिंसिपल आज इनसे ये मत समझो इनका सब्जेक्ट रह गया, नहीं सब्जेक्ट, ये जो सीख रहे हैं वो लाइफ में गलती नहीं करेंगे. तो जब लाठी चार्ज हुआ या लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट बनाया, जैसे 15 अगस्त के अरेंजमेंट है, कैसे 15 अगस्त के अरेंजमेंट लोग बनाते हैं, ठीक है, ब्रीफिंग कैसे होती है, डी ब्रीफिंग कैसे होती है, एंटी साबोटा चेक कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ये इनको सीखने दो ताकि ये जब पहली ड्यूटी लगे तो दे लो, तो दो साल के पीछे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड में तो जाएंगे ही जाएंगे, फील्ड सीखेंगे. आई थिंक ये तीन चीज़ें अगर आप ले जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा. तो मैंने तीन चीज़ें आपको बताई, वो आपके इंस्पेक्टर साहब ले जाएंगे एंड पास इट ऑन. हु इज़ ही इज़ इन चार्ज ऑफ द ग्रुप? यू आर इन चार्ज, गो अहेड एंड टेल द ग्रुप. इफ यू सी ऑफ कोर्स न्यू थिंग्स कैन बी एडेड, बट इफ दीस थ्री थिंग्स आर टू रिमेंबर, आई थिंक इट विल मेक यू अ डिफरेंट बैच. और उससे क्या होगा, आने वाली ट्रेनिंग भी ठीक हो जाएगी आपकी, आने वाला पैटर्न चेंज होगा. बट आई टी में अब आपको माहिर होना चाहिए, सबके पास अपनी अपनी टैबलेट होनी चाहिए. डू यू हैव अ टैबलेट ऑल ऑफ यू? नो. यू शुड हैव, दिस इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू मस्ट मेक. यू मस्ट स्पेंड इट आउट ऑफ योर ओन मनी, बाय अ टैबलेट. दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ, इज बाइंग योर ओन टैबलेट, योर ओन आईपैड. यू मस्ट हैव इट. और सब चीज़ें खर्चते हो, दिस इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट, यू मस्ट गिव टू योर सेल्फ. उससे क्या होगा, आपका नॉलेज, यू विल हैव द लाइब्रेरी विद यू. व्हेन यू हैव द आईपैड यू हैव द लाइब्रेरी विद यू, सारे एक्ट्स वहाँ पर, सारे रूल्स वहाँ, सारी नोटिफिकेशंस वहाँ, सारे सर्कुलर ऑर्डर्स वहाँ. बाय गोइंग टू द वेबसाइट एंड सर्च, गूगल इज विद यू, सो यू डोंट नीड एनीथिंग. दैट्स योर बेस्ट टीचर. किसके पास नहीं अभी तक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर आईपैड? यू हैव 3-4. बट वी डू द सेम टास्क इन आवर फोन्स, लाइक nothing better than iPad because this reading is much easier. iPhone, reading it small print and reading it as an iPad is much different. That will make you carry the library with you. iPhone is multi-purpose for your messaging, for WhatsApps, but the iPhone, your iPad will become a library for you. Okay? So please, agar aapne invest karna hai immediately apne aap ke upar, तो अगर यहाँ किसी ने आपको गिफ्ट देनी है या हैप्पी बर्थडे बोलना है या एनिवर्सरी गिफ्ट है, बोलो मुझे आईपैड चाहिए. और यू टेक अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गिव्स यू अ लोन फॉर अ कंप्यूटर, देता है ना, आप आईपैड के लिए ले लो, टेक अ लोन एंड पे बैक वेरी इजी इंस्टॉलमेंट, दैट इज योर लोन. वो खोलो खोलो सीधा डोमेस्टिक, कई साइबर क्राइम और सारे आर्टिकल्स आपके पास तुरंत आएंगे. यू हैव अ लाइब्रेरी, इट्स कॉल्ड द ई लाइब्रेरी. और मेरा ख्याल है सब लाइब्रेरीज आर ऑल्सो लिंक्ड विद, कोई पासवर्ड देगा तो आप लाइब्रेरी में भी एंट्री कर सकते. डाइनिंग हॉल
लाइन पे चाहे लिखो कोई बात, और अगर आईपैड हाथ में होगा उसी वक्त टाइप कर लो, बड़ा इजी रहेगा, और सेव करते जाओ नोट्स, न्यू लर्न, न्यू लर्न। हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस हैव यू? 30 इयर्स। योर सेकंड। तो दिल्ली के कितने लोग हैं? मेजॉरिटी है दिल्ली और आउटसाइड? आउटसाइड। फ्रॉम वेयर ऑन? Some ma'am, I was born in Rati Bharkan, but so past 20 years I've been living in Nagpur. So, so for you it's a shift. Yeah. And you? Ma'am, I'm from Chandigarh. Chandigarh. I'm from Jammu. Jammu? Yeah, Jammu bhi shatra. I'm from Jaipur, Rajasthan. Huh? Jaipur, Rajasthan. Rajasthan. You so look so faces, area faces immediately pehchane jaate hain. And I'm from the UP state. Ma'am, I'm from Sangli Maharashtra. What? Sangli Maharashtra. And I'm from Unna Uttar Pradesh. Unna Uttar Pradesh. I'm from Dausa Rajasthan. Mm-hmm. I'm from Kutch Gujarat. I'm from Khandha Pradesh. From Madhya Pradesh. Punjab. Ludhiana. I'm from Bareilly UP. I have worked in Delhi near me. Please have your seat. डीसीपी नॉर्थ है तो मैं आई वाज कांस्टेबल इन सराय पुलिस स्टेशन। यू वर कांस्टेबल सराय? यस मैम, विद अलवाली। यस। ओह, अलवाली। यस। देन यू ओपन द डी एविक्शन सेंटर। या नवज्योति क्लिनिक। वाह, माय हिस्ट्री। या आई नो मैडम, जब पढ़ते ही रहते थे मैडम, जब भी देखो, जब भी गाड़ी में बैठेंगे तब भी कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। कितने साल बेस साल रहे? 5 साल रहे। नहीं, वहाँ तो मैं 2 साल रहे। अलवाली हैज नो बॉर्डर? नो नो, माय वेरी गुड फेवरेट ऑफिसर। या आपको पता है वो नवज्योति संस्था जो हमने खोली थी? जी पता है, फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। आपको पता है उसका क्या हुआ? नहीं। 30 साल पुरानी है आज। हम सबसे पुरानी, उससे उससे पहले तो कोई शायद डी एडिक्शन का था। 30 ईयर ओल्ड है आज, कम से कम हजारों लोगों का बेनिफिट कर रही है आप। उससे पुरानी कोई संस्था नहीं है। उस टाइम डी एडिक्शन का किसी ने कंसेप्ट सोचा ही नहीं था। और मैडम, मैं तो पीटीसी में भी ट्रेनिंग सेंटर में भी रिफॉर्म किया था। दैट इज नहीं, मैं बता रही हूँ, विपासना। नहीं, मैं वो बात कर रही, मैं ये कह रही थी कि वो संस्था आज 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है, और आज वो काफ़ी शाखाएं खोल गई है। वो रूरल जितना बोर्ड्स वो एरिया है ना, समयपुर बागी बवाना एरिया, वो सारे में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाती है। कराला में स्किल्स डेवलपमेंट करती है, और हरियाणा के गांव में शिक्षा केंद्र खोली है, और वाटर हार्वेस्टिंग बड़े काम करती है। सो वो संस्था छोटी सा बीच जो बना था वहाँ से, बहुत हार्ड वर्क था। सर, आपने वो इतिहास देखा है। पूरे ट्रिप का। थैंक यू सो मच। साथ साथ देखो, प्रोफेशनली तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी कामयाबी लाइफ में तब होगी जब आपके पास करेक्ट पर्सनल हैबिट्स होंगे। पर्सनल हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर के लिए ये है कि वो अपने आप में शांति और संतुलन कैसे लाता है। और ये शांति और संतुलन भक्ति से भी आती है, लेकिन अभ्यास से आती है। इसलिए योगा आपके साथ ज़िंदगी में जोड़ना सुबह बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में रोज़ सुबह उठकर, सभी उठ के यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते, अलग बात है, कभी आपको 3 बजे जाना ही पड़ेगा तो योगा टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो टाइम है, आपको मॉर्निंग योगा की आदत ज़रूर डालो, उससे यू विल बी एबल टू हैंडल लॉट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड स्ट्रेसेस, वेयर यू विल बैलेंस योर सेल्फ। सो प्रोफेशनल तो है, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद अगर आपको कोई योगा सिखा रहे हैं, योगा क्लास है या नहीं है? योगा इज यू शुड स्टार्ट विद योगा। इनफैक्ट सभी जियोज में हो, तुम्हारे पास योगा टीचर वहाँ होना चाहिए।
जरूरी नहीं जुड़ोदा कला तो कितनी दूर से आते हो ना जोध में पढ़ा दिया गुड तो फिर वहीं पर ही होगा टीचर होगा सर टीचर योगा टीचर तो है बट इनकी क्लास शायद कम लगती है दे शुड डू योगा दे शुड डू 6 a.m. हां फर्स्ट दे विल स्टार्ट फ्रॉम योगा योगा फर्स्ट थिंग दे शुड स्टार्ट इज योगा अगर आप इनकी मॉर्निंग की हैबिट सुपर पकड़ लो राइट योगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू योगा एंड यू शुड डू योगा टुगेदर About 6:30, 6:45 ख़त्म उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी मॉर्निंग न्यूज़ पढ़ने की मॉर्निंग कुछ और करने की सो यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर मॉर्निंग यू डोंट स्टार्ट योर डे विद गेटिंग इन द जीप एंड व्हीकल डन यू स्टार्ट योर डे विद योर सेल्फ इफ यू डोंट स्टार्ट योर डे विद योर सेल्फ देन यू आर नॉट इन कमांड देन यू आर रिएक्टिंग बट इफ यू स्टार्ट योर डे विद योर सेल्फ यू आर एक्टिंग ऑलवेज रिमेंबर Starting your day with yourself means acting. And not doing it is means reacting. That means you are behind time, not ahead of time. So start your day or morning. Aur usme hai ki kai bari thak ke soye kuch baat nahi. Lekin subah uthne ka time jo aapko aadat pad jayegi, wo aapko sabse bahut helpful hoga. Does anyone of you do this? They have shown how foreigners were treated because some foreigners were in the Tihar jail during that period for 10 or 20 years but they are not having some peace in mind and you initiated the Vipassana course there so they are still showing the 1 to 2 hour lecture in the whole duration of the 7 days in Vipassana course that's interesting what I would suggest you is you have a 6 a.m. yoga class and then in that yoga there's an element of meditation you will learn it And 6 to 7, yoga and meditation. 7 after that, they're free. They can play if they want. Playing should be ideally with the evening. They can do some exercises. So, jo unki marzi. But 6 to 7 ki aadat badi important. Isse uske baad they can get into reading. They can read newspapers, listen to the radio, listen to the music, it's up to them. But 6 to 7 should not be lost. Early 2000, when you were posted in PTC, ma'am, you are the one who brought DANIPS from Filor to Charoda. Yeah. Ma'am, what was there in your mind at that point of time? Because there will be, you knew that thing that there will be only few trainees, only 2, 3, 4 trainees. At times, there will be one trainee also. Yeah. So, ma'am, what was the reason behind that? Reason behind that was that you needed to get used to Delhi culture, not Punjab culture. Punjab culture is different. The training culture is different. But Delhi needs a different kind of responses. So you need more cosmopolitan response. Whereas Punjab was more of a police state police response. But you had to be trained more for cosmopolitan police force. That's the reason. Somewhere when that batch was feeling, because if there's only one person, then he won't be having his classes on time, his outdoor will be suffered. So those are the... You can design the program differently. Doesn't matter if it's a problem. It's not a problem. It's just the way you design it. He becomes a batchmate with others. So what? You are now a batchmate of a lakh of force. You now belong to a force of 1 lakh people. Delhi policing is almost nearing a lakh. Nearing a lakh. Because if outside forces also join in, they will support you. You are not less than a lakh of people. And it's got the best budget in the Indian police service, best budget. No state has this kind of a police budget which Delhi has. And Delhi is getting a good budget because it's a union territory. Because the police budget is coming from Government of India. Whereas states don't have that kind of money for policing. But Government of India provides for us. So you are better provided. And you are a cosmopolitan response. एक भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता एक को भी बड़ा कुछ करा जा सकता है सो इसमें कोई बड़ी नहीं है लेकिन फायदा हो गया ना नहीं तो अभी भी जाते वहाँ
और वहाँ आपको सिर्फ घोड़ा भगाते, रोज भगाते, रोज दौड़ाते और ग्राउंड पे गिरते हो कि नहीं गिरते, ये आपका पास होगा था। वो भी चेंज हो गए होंगे अब तो काफ़ी, लेकिन यू नीडेड टू हैव योर ओन सर्विस। इन फैक्ट यू शुड बी आस्ट टू टेक क्लासेस विद अदर्स, ताकि आप अभी इंटेग्रेट हो। आपको इंटेग्रेट होना चाहिए अपने सब इंस्पेक्टर्स, कॉन्स्टेबल्स, उनके साथ जब ट्रेनिंग में, यू नीड टू गेट इंटेग्रेटेड बिकॉज दे आर ऑल गोइंग टू वर्क विद यू। दैट शुड बी यूज्ड फॉर अ वे ऑफ इंटेग्रेशन। यू शुड जॉइन देम एट इन द मॉर्निंग। Ma'am, actually ours is a batch of two only. So our batch has been combined with the PSI. That's right. So you join with the PSI. You're making friends already, it's a benefit. We're going to work with them. It has been a wonderful experience. That's it. So if you want, you join the others. Ma'am, lower level integration is there, but higher level integration is still absent. Because sometimes, at least we are working in the lower, like the constable and head controls of things. So we are getting the experience. But when it's come to the higher level of supervision, so there is a many type of the attachment, like the NP attachment, like 1 month beacon of the training. Either sometimes having the one person, we are having the same group. So if it is possible, that person can be combined with IPS training. Because if they are combined, they will come from the same background, same instructor, and then they are trained in district training. That is because you have a central, you have a Bhopal mein. Bhopal mein center. That is actually which brings you to. Yes. That was also. That is only for the state services. Yeah, but state services are also being brought together, yes, and getting integrated. Yes. That was a center which was envisioned for this purpose. So, officers per depend karta. State police ki culture per depend karta. Aap jaise marzi isko flexible karo. Question is ki when we are integrated at lower level, but why we are not integrated at the higher level? That's what I'm saying. It's a vision of the leadership. Nothing stops you from the top level integration with it. Even during training, they can bring, like you are already getting integrated to some inspectors and now constable with the junior ranks, right? Yes. Similarly, in the NPA, maybe they don't have too much of pressure. It will have to come back to the state level because it needs decentralization. Yes, ma'am. That must be decentralized. At the state level. Actually, most of time, DANIPS and the state officers are back. You must be having some IPS officers under training also. No, sir. Come back after a month. Then that's the time for integration. Ma'am, but that 1 month should be integrated. They have the different assignment and they are mostly tried segregated with the our batches. So according to the previous batches, there is no good interaction between them. They should have an integrating week. Because they separate the class, they separate their program. Then you can have an integrating week, yes, as a part of your training. Yes, that. You can have an integrative week as a part of your training. Either like the Indian Revenue Service, Finance Services and other services having the 2 weeks or 3 weeks program in the NPA. So why the DANIPS and DANIPS are not recommended for the program? Yeah. In the you can have an integrative week with your IPS probationers and your DANIPS as a part of your training. There should be some overlap. Yes. Thank you. They should be, because the more integrated you are, the more teamwork you'll be able to do, because in the end you only have to work as a team. While you individually may take the lead and take decisions, but it's a teamwork. Something which a constable will do, a head constable will do, an ASI will do, or sub-inspector will do, an inspector will do, and you will do. So it's not who does, ye pata nahi hota, lekin har ek ki apni apni capability hoti hai, uske according you want to do. जीओस मेस में पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बाहर से आता है, अभी भी टैंकर से पाइपलाइन जो आप अभी भी नहीं बनी, अभी भी पाइपलाइन आई नहीं है, वेरी सैड। पाइपलाइन आ रही है, उसमें पानी नहीं दिया उन्होंने, कनेक्शन नहीं दिया। टैंकर से बोलते हैं सर, टंकी बात। अच्छा, पाइपलाइन से पानी नहीं छोड़ा? नहीं, पाइपलाइन से तो आ जाता है, लेकिन वो सर आरओ सिस्टम है, वो पीटीएस में आरओ सिस्टम लगाया हुआ है, वहाँ से साफ होके तब टंकी भरते हैं। आरओ का डायरेक्ट नहीं? चलो, पानी तो आया, हाँ, चाहे टैंकर से आया, आया आरओ का डायरेक्ट नहीं सर, मैम आरओ का डायरेक्ट नहीं, लाइन का डायरेक्ट है,
बट वो साफ नहीं है. अच्छा, सो इट हैज टू बी क्लीन्ड. क्लीन But you have you water in your rooms? Yes, ma'am. And you eat the salt common mess? Yes, ma'am. बहुत सारे पेड़ हम लोगों ने वहाँ लगाए. आप श्रमदान करते हो ना? कि बंद कर दिया? We do, ma'am. On Saturdays. हाँ, सारे PTC? Yes. हाँ. ठीक. That's nice. I remember हम लोग Saturday के Saturday श्रमदान करके घर जाते थे. और मंडे को जब आते थे तो प्योर न्यू पीटीसी लगता था, घर कुर्सी साफ, सब रूम साफ. सो डू यू डू दिस? वी डोंट गो होम. वो प्रैक्टिस नहीं है. अच्छा, योर नेम इज डिस्कस्ड एवरी अदर डे कम्स देयर. एवरी सिंगल पर्सन हैज समथिंग गुड. देयर वर सो मेनी प्रैक्टिसेस एट योर टाइम. सो मेनी प्रैक्टिसेस लाइक विपासना और ये श्रमदान. Community policing was it? Yeah. Community. Well, now, that should be a lesson to you. कि जो आप करते हो, लोग याद रखते हैं. और जो नहीं करते, तो भी याद रखते हैं कि ये नहीं किया था उन्होंने. So, which means समय चला जाता है, काम याद रहता है. तो भले कर रहे, तो लोग याद रखते हैं. नहीं रखे, तो कहेंगे वो ऐसे ही कर चला गया, कुछ नहीं किया. So, which is means कि कोई अच्छा काम किया हुआ खाली नहीं जाता, वो पास ऑन होता है. मुझे वो ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा लगा. आई थॉरली एंजॉयड. मैडम तो जहाँ भी गई वहाँ रिफॉर्म किया है. बहुत अच्छा लगा. मैं रोज दूर से जुड़ा करना जाती थी टाइम से. मैम ये रिफॉर्मेटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि जहाँ जिस भी सिस्टम में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, तो वहाँ भी कहीं चाय वो कर दी थी, सभी स्टाफ को चाय पिलाओ. मतलब ट्रेनिंग सेंटर में गए तो अलग आइडियाज़ आ गए, जेल में गए तो वो भी एक आश्रम बन गया. हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब इतना वो कहाँ से आता है, किस उससे आता है? जब आप तन मन दो ना अपने काम को, तन और मन दो ना, सोच बढ़ती है. जब तन और मन नहीं दो, सिर्फ तन दो तो कुछ नहीं मिलेगा. जब उसको मन लगाओगे ना, तो मन सोचता है. हम लोग तन लगाते हैं, मन कहीं और होता है. बस इट्स ऑल अबाउट तन और मन. और मन तब लगेगा जब आप उस काम की कदर करते हैं, दिल लगाते हैं. सी, तन मन और दिल तीनों चीजें. और दिल तो ही लगेगा जब आपको अच्छा लगा हो, उसकी कदर कर दिया. और जब आप अपने कर्तव्य की कदर करते हैं, तो काम आपकी कदर करता है. आप ये जो मुझे बोल रहे हो, ये कदर नहीं है. कदर क्यों? काम कदर करता है. आप करो काम कदर के लिए नहीं करो, क्योंकि आपका दिल करता है. तो कदर आएगी क्योंकि आपने काम ठीक किया. तो अच्छा कर्म बीजोगे तो उसका फायदा होगा ना. सो यू डोंट वेट. आज मैंने फल खाने के लिए, फल आपके लिए. अब आप फल खा रहे हो तो देखो याद नहीं कर रहे हो, लेकिन याद के लिए फल नहीं लगाए थे. उस वक्त कर्तव्य था कि हम पेड़ लगाएं. तो जिस वक्त पुलिसिंग में जो आपका जहाँ कर्तव्य है वह करो. ये मत तोड़ो मुझे फल तो आना नहीं, मैं क्यों करूँ. मुझे याद है कई बार एक ऑफिसर कहता था, ट्रेनिंग में भेजने की क्या जरूरत है, ये तो आएंगे साल बाद. तो मैंने कहा सर आज जो ट्रेनिंग आप जिनसे काम करा रहे हो, किसी ने ट्रेनिंग में भेजा था तो ही तो ले रहे हो सर, जाने दो ना, क्यों रोकते हो ट्रेनिंग से. सो हमारी सोच होती है मैं क्यों भेजूं, क्योंकि मुझे तो फल नहीं मिलने वाला. फिर मुझे याद कराना पड़ा उनको कि आप आज जिनके साथ कर रहे हो, किसी ने ट्रेनिंग के लिए भेजा था, आज उसका फ़ायदा उठा रहे हो सर. यू ओ इट टू नाउ टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो जब आप ये एटीट्यूड लेते हो, तब आप तन मन, ये मन यहाँ पर भी है और मन यहाँ पर भी है. मन पता नहीं किधर छिपा हो. सो मन दिल से, तो यू विल सी द चेंज. सो तन और मन रखना बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्म, क्योंकि जो आप यूनिफॉर्म कर रहे हो, करोड़ों लोग चाहते हैं कि आप जैसा जगह पर पहुँचे. इसमें IPS DANIPS और IAS नहीं है. जो आपके पास है वो किसी पास नहीं है. जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता. सो यू हैव टू नो व्हाट टू डू. आप करो और अपने काम में खर रखो और उसका शुक्र करो.
कि भगवान ने मुझे ये दिया, मैं इसके, अब ये मत सोचो 8 साल बाद मुझे IPS आएगी फलाने साथ, वो जब आएगी आएगी। अपने मन में तन मन दिल लगा बस, और आप करोड़ों से आगे, आप उनके पीछे नहीं देखना किनके पीछे हो, ये देखो किनके आगे हो। जब ये देखने लगते हो जिंदगी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अपने आप को किसी से कम मत समझो। और मेरी एक और सजेशन ये है कि अपना जनरल नॉलेज और स्किल तरक्की करते रहो। कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज रोज़ न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, न्यूज़ का ट्रैकिंग रखो, नेशनल है या इंटरनेशनल। इसलिए मैंने कहा है आपके पास आईपैड, इस पर टेलीविजन होना चाहिए, चलते चलते न्यूज़ सुनो। अपने आप को एज पुलिस ऑफिसर्स अपडेट रखना, दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मेरे स्टेट में क्या हो रहा है। यू मस्ट स्टे अहेड ऑफ द न्यूज़। और एक आध क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ते जाओ, MBA नहीं की करो MBA, कानून नहीं किया करो लॉ। ये उम्र आपकी पढ़ने की भी है और सीखने की भी है, ये उम्र दोनों चीज़ें की, बाद में मुश्किल हो जाए। इस वक्त ये उम्र ट्रेनिंग की तो है, लेकिन ये इस वक्त ये एजुकेशन की भी है, ये उम्र आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी है और अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी। जैसे कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यू अनाउंसमेंट हुई है, उसमें घर के लिए, किसी का घर नहीं है ना, अभी से घर के लिए करो, आधी तनख्वाह इस वक्त जाने दो, क्योंकि अब सेविंग कर लोगे तो घर बन जाएगा, अब नहीं करोगे बाद में मुश्किल आ जाएगी। सो गोइंग फॉर अ हाउस, अगर किसी का घर नहीं है या गांव में ही जाना है तो फिर अपने गांव के घर को कायम रखो, उसको बेचना मत, गो बैक, यू मस्ट हैव योर ओन होम। घर अपना बना लो और अपना, जैसे घर सिक्योर करते हो किसी चीज़ से भी नहीं घबराओगे, क्योंकि मेरे पास छत है, जिसके पास अपनी छत है ये सिक्योरिटी तो है ही आपके पास, क्योंकि ये तो जब तक जिंदा रहोगे पेंशन मिलती है, और ये जो सैलरी आप दे रहे हो इससे डबल पेंशन मिलेगी जब तक रिटायर हो जाओ, पेंशन विल कीप इंक्रीजिंग। सो यू आर फाइनेंशियली सिक्योर नाउ, यू जस्ट हैव टू फाइंड कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आई या हाउसिंग स्कीम आई, उसके लिए अभी से छोटी मनी लेके, चाहे वो बैंक लोन लेके उसके पास जाएगा, लेके घर बना लो। मुश्किल बढ़ती है 3 साल, उसके बाद घर किराए पर दे देना, लोन उतार देना। मैंने अपना घर ऐसे बना था, DDA की हाउसिंग स्कीम आई थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने बैंक लोन लिया और अपना पैसा जो निकालना था ले लिया, मैंने दे दिया। बहुत मुश्किल हुई मेरे लिए बैंक लोन उतारने की, किसी तरीके से वो उतर गया, मैंने चढ़ा दिया किराए पे, मैंने अपना लोन उतार दिया, और लोन के बाद मेरी इनकम बन गई। और जब मेरी इनकम बन गई, इनकम बनती गई, मेरे लिए वो पॉकेट मनी हो गई, क्योंकि तनख्वाह मेरी खत्म हो जाती थी, ये मेरी पॉकेट मनी बन गई। और जब ये पॉकेट मनी भी नहीं, तब मेरी तनख्वाह जब और बढ़ गई, पे कमीशन आने लगी, मेरी वो तनख्वाह बोनस बनी, तो वो मेरी सेविंग होने लगी। वो सेविंग होते होते एक सेविंग होते होते वो घर की भी वैल्यू बढ़ गई, और वो बढ़ के मैंने उसको बेच दिया और उसके 2 घर लिए। देन आई बॉट 2 हाउसेस, फ्रॉम 1 हाउस आई मेड इट टू 2 हाउसेस, 1 आई गेव टू माई डॉटर, 1 आई गेव टू माई सेल्फ। इमेजिन क्या छोटी शुरुआत, अर्ली सर्विस से मेरा घर भी बन गया, मेरी इन्वेस्टमेंट भी होगी, मेरी सेविंग भी हुई, मेरी पॉकेट मनी भी बनी, मैंने अपनी बेटी के लिए भी कुछ बना दिया। उसी सेविंग को फिर मेरी बेटी ने घर अपना बेच के एक और घर लिया, अपना डालते और सी हाउ, जैसे दही में जाग लगाने की, ये दही में जाग लगानी अर्ली बहुत ज़रूरी है। उस वक्त छोटी दही मत सोचो मेरी छोटी दही चली जाएगी, ये छोटी दही जाग लगानी, समझ लीजिए तनख्वाह मेरी 10,000 कम है, 20,000 का डजन मैटर, घर वालों को बता दो मैं घर बना दूँ। इसी ये होएगा आपका फैमिली के लिए भी घर बन जाएगा। और मान लो आपकी एंडमेंट्स ट्रांसफर होती है, योर होम, यू विल हैव अ होम, बट रेंट भी कर दोगे, इट विल कम अ पॉकेट मनी विद इंटरेस्ट, फिर इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। तो दिल्ली में अभी आएंगी और हाउसिंग स्कीम्स, चाहे वो पास आस पास है, घबराना मत, दिल्ली बहुत बड़ी होती जाएगी, आप वहाँ पर जाके अपने इन्वेस्टमेंट एंगल से भी इन्वेस्ट करना अच्छा है। सो सेविंग हैबिट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल्सो लर्निंग हैबिट, मैंने कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मास्टरी लेनी, चाहे वो कंप्यूटर करो, चाहे साइबर क्राइम करो, चाहे कोई लॉ करो, दीज आर वेरी असेंशियल हैबिट्स। और उससे आपका दिमाग भी रिफ्रेश रहेगा, सुबह योगा करोगे फिर कुछ पढ़ोगे भी, क्योंकि इस वक्त एकदम प्रेशर नहीं आएगा बहुत सारा वर्क का, ये अर्लियर कुछ ईयर्स आपके ईजी रहेंगे,
4-5 years easy bhi rahenge, difficult bhi rahenge. Lekin you can cut because you'll have a lot of support system and supervision. Aapko bahut better rahega. Padhte bhi raho, thodi investment bhi kar do. Meri suggestion ye hai, youngsters ko main hamesha yehi bolti hu ki turant apna ghar banao. Agar apna ghar hai to bas usko qaim rakho. Aur agar gaon mein ghar hai aur gaon mein hi jana hai to gaon ke ghar ko qaim rakho. That you can go back to your village. But shahar se ab log bhag rahe wapas back to villages because it's easier and better, it's too tired. So people like it. So you must know ki main agar kisi din mujhe ghar jana hai to main kahan jaun. 5-7 years mein you should all have your own home. This is worthwhile investment. Usse bank mein bhi loan mil jayega, uska interest mein bhi aapko deduction bhi milega, bahut acha. आपको डिपार्टमेंट से भी कई बार लोन मिल जाएगा और एक कंप्यूटर ज़रूर अपना होना चाहिए. ये आपकी लाइब्रेरी है, जहाँ दुनिया में कहीं भी चलेगा दिस इज योर लाइब्रेरी. दिस आई पैड, दिस इज ओके बट आई पैड जिसमें आराम से पढ़ते जाओ, ट्रैवल कर रहे हो पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ, न्यूज़ सुनते जाओ. यू विल कट उसी टाइम से उन्हीं टाइम जाने के बदले, वेस्ट होने के बदले यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड. सो जब आप सीनियर ऑफिसर्स में या कम्युनिटी में जाओगे यू आर अप टू डेट. पीपल आपकी बड़ी इज्जत कर, लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि आप उनको कुछ दे कर आए हो, क्योंकि आप सीखे थे, जानते थे, अब दे कर आए. ये नहीं कुछ नहीं दिया. मैंने ये देखा है ज्ञान पास करने के बाद लोग अखबार पढ़ने बंद कर देते हैं, न्यूज़ सुननी बंद कर देते हैं. मेरे पास IPS ऑफिसर्स भी आए थे यहाँ, मैं उनसे पूछा पढ़ते हो ये पेपर्स, बोले नहीं. क्यों? अब जब ध्यान नहीं देता ना. सो दे लूज आउट ऑन दैट. डोंट लूज आउट ऑन क्वेस्ट फॉर नॉलेज. Your hunger to learn, hunger to for knowledge must remain hungry till as long as you have energy. और ये energy भी देता है. जब आप quest for knowledge रखते हो it also gives you energy, क्योंकि आपको positive बनाता है, आपको empowered. मैं जानता हूँ, मैं कानून जानता हूँ, मुझे रूट पता है, मुझे पेज पता है. और ये notes भी बनाते रहो कौन सी चीज़ कहाँ मिली. और अपनी लाइब्रेरी भी, ये जो बुक्स जो है यू मस्ट हैव योर ओन लाइब्रेरी. कीप इट विद यू, यू नेवर नो व्हेन यू नीड इट. टेक दिस, ट्रांसफर हुई अपनी लाइब्रेरी साथ में ले जाओ. यू विल नीड टू रीड इट. रीड द लॉ अगेन. जब ये रूल आया गो बैक टू द सेक्शन, रीड द लॉ. गो बैक टू द जजमेंट, रीड द लॉ. उससे जूनियर आपको मिसगाइड नहीं करेगा. इनसे पूछो, इंस्पेक्टर साहब से पूछो कि कैसे सीनियर की इज्जत करते हैं, जो सीनियर ज़्यादा जानता है. नहीं तो जो घुमाओ घुमाने तो नहीं सर ये नहीं है तो नहीं सर अच्छा ठीक. बट द सीनियर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या. सो यू आर अ गजेटेड सीनियर सुपरवाइजर रैंक. सुपरवाइजिंग रैंक का मतलब है आप ऐड करोगे वैल्यू. यू विल बाय योर सुपरविजन यू विल ऐड नॉट सब्सट्रैक्ट. और क्या याद है सराय रोला का? ठीक है सर. पूरे स्टाफ को भी मैडम मतलब इंटरेक्ट करते थे सबसे, इवन कांस्टेबल्स को, सभी को, सभी को. जब भी वहाँ होते थे सभी इकट्ठा काम कराते. पौधे लगवाने हैं तो भी मैडम आते हैं खुद. एक और चीज़ आपने सिखाई हो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने मुझे कहा सीनियर इंटरेक्शन हमारे साथ समझ, जूनियर्स आपसे काम करते हैं हमारे साथ इंटरेक्ट. तो आपको अगर कोच भी मिले, बटालियन मिले, पुलिस स्टेशन मिले, आपको मौका हमेशा ढूंढना है अपने लास्ट कांस्टेबल तक पहुंचने का. वो आपको जो सिखाएगा कोई नहीं सिखाएगा, वो जानता है ज़्यादा. बीट ऑफिसर ज़्यादा जानता है तुम्हारे में से, बिकॉज ही नोज द एरिया, ही वॉक्स एवरी डे, ही इज कनेक्टिंग विद द पीपल. यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड गो एंड लिसन टू हिम. और ये मत सोचो मैं तो जीओ हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ, मैं क्यों उसके नीचे जाऊँ, ये तो इंडिसिप्लिन है. नहीं, ये टीम बिल्डिंग है, ये बॉन्डिंग है. मोस्ट ऑफ द स्टाफ अपने स्टाफ इज वर्किंग मोर देन 12-16 मेंबर्स एंड एट द लोअर लेवल लाइक द कांस्टेबल एंड सर्विस इंस्पेक्टर लेवल प्रमोशंस आर वेरी स्लो. सो मोस्ट ऑफ टाइम दे बिकम लाइक डीमोटिवेटेड एंड दे आर नॉट हैविंग द इथोस रिगार्डिंग द वर्क. सो हाउ डू यू हाउ can be motivated so that they do the proper working and have the relax to maintain by continuous interaction with them. See, everywhere there's a saturation. Ab jaise 10 years ke baad ye scale mil jata hai, 15 years ke baad ye hai na accelerated milta hai.
lower level pe jata post may not be getting created because every post means a lot of money. What you need to do is continue to upgrade the skills and continue to get the personal skills and professional skills. ये प्रोग्राम चलते हैं ना फिर भी वो कई बार मोटिवेट नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूं एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होती अंदर से मोटिवेशन कैसे जनरेट करें अंदर से आपको ऐसे प्रोग्राम देने पड़ेंगे जो अंदर से अपने आप को चार्ज करें मैडम स्टाफ को ना पब्लिकली रिवार्ड भी करते थे कि पुलिस स्टेशन को मतलब डिसीजन का स्टाफ इकट्ठा किया जिसने बेस्ट वर्क किया उसको बेस्ट मिड कांस्टेबल का रिवार्ड दे दिया या इस तरह का सो लीडरशिप से आप हर एक आप देखिए 18 घंटे काम कहीं नहीं आप रोक नहीं सकते क्योंकि हमारी 3 times पुलिस नहीं है वी डोंट हैव लाइक इन अमेरिका कॉन्ट्रैक्चुअल 8-8 घंटे का रात फिनिश किया चले गरीब देश है ये देश अमीर भी है और ये गरीब भी है ये नहीं इसीलिए एक कांस्टेबल आज 50,000 rupees a month अफोर्ड यू हैव टू पे उसका उसका सब कुछ अगर काउंट करो हाउसिंग भी ले लो मेडिकल भी ले लो फैमिली केयर भी ले लो ईए भी ले लो यूनिफॉर्म भी ले लो सब कुछ ले लो इट लिटरली कॉस्ट यू 50,000 rupees a month यू अंडरस्टैंड बजट हमेशा नहीं आया इसलिए 16 hours 14 hours तो करेगा ही काम चाहे करे 8 घंटे आना जाना ही तो खर्च ले इट कॉस्ट सम 16 hours एक बार ही घर से गया निकला तभी तो बैरिक्स बनाई सो वो कोई मैं आपको गारंटी नहीं कर सकती कि नो आवी वी शुड हैव एन 8-hour फोर्स बट द क्वेश्चन इज हाउ एज अ लीडर यू कंटिन्यू टू लुक आफ्टर आर्मी की कैसे रखते हैं मोटिवेशन लेकिन आर्मी में कंटिन्यूसली 16-14 hour काम नहीं करते मैं तो 8 hour की शिफ्ट रहती रहती या तो 4-4 hour की शिफ्ट रहती है दूसरा यहाँ पे क्या है कि आर्मी डायरेक्ट क्राइम की डील नहीं कर रही है बाहर लेवल पर डील करती है वो पर्टिकुलर टाइम हो सकता है यहाँ पे मैम क्या है कि 12 घंटे आज काम कर रहे हैं करना है सेम क्राइम में सेम पर जो काम करते रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो खुद भी मतलब कुछ मेंटली ऐसे हो जाते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम न्यूज़ पढ़ते हैं कि पुलिस मैन बहुत ही एग्रेसिव वे में बिहेव किया उसको खुद नहीं पता रहता कि वो एग्रेसिव में बिहेव कर रहा है या वो प्यार से बात कर रहा है क्यों वर्किंग हार्ड उम्र बहुत ज़्यादा है टेंशंस हैं मतलब वो चीज़ें तो मैं उसको कैसे मैनेज करें सिस्टम ताकि पुलिस की इमेज भी अच्छी रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लेसेस में अभी भी हम जाएंगे एक्सेप्ट फ्यू केसेस कई जगह हम अगर पब्लिक परसेप्शन पूछे हैं वो ऑनेस्ट हैं तो बोलेंगे पुलिस की इमेज बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आंसर ये कि आदमी में 10 महीने तो साल के घर से भी नहीं जाते या तो रोज़ घर जा रहे ये बहुत बड़ी चीज़ है या बच्चे आपको देख पा रहे दुख सुख में आप वापस आ जाते वहाँ सचिन और कारगिल से कहाँ आएंगे वापस सो व्हेन यू कंपेयर 10 months ऑफ हार्डशिप 2 months बैक 2 महीने वो अपने बाप को देखते हैं 10 महीने नहीं देखते सैटेलाइट फोन से करते इधर तो बाप रोज घर जा रहा फिर उसको अर्ली भी मिल रही फिर उसको मेडिकल केयर भी वहीं की वहीं सो अब सवाल उठता है कि वो इतनी देर भी कैसे मोटिवेट कर वो लीडरशिप पर डिपेंड वो कैसे उनके साथ गाए खेले बनाए सोचे ट्रेन करे रिकग्नाइज करे सेलिब्रेट करे दिवाली मनाए जो भी है मनाए हंसे खेले देखिए जब आप उनको अबैंडन कर देते हो तब परेशान स्टार्ट टू ड्रिंकिंग ये सब यू नीड टू नो इसलिए बैंकों में जाना बहुत ज़रूरी है उनमें ये दिखाओ तुम्हारे पास क्या है ये मत दिखाओ क्या नहीं है जब आपने आर्मी की बात की ना आया ना कंपैरिजन 10 महीने तो वो देखते सो देन वो कहेगा मैं रोज घर जाने को तैयार हूँ मैडम ये ठीक है सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नाउ ऑन अस एज लीडर्स हाउ डू वी कंटिन्यू टू रिफर्बिश नए नए प्रोग्राम में पशना जैसे एक प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग भी है ईशा पर ऐसे प्रोग्राम थाने में ले जाओ और सब मिलके करो तो तुमको भी उसको शांति मिलेगी फैमिलीज गेट टुगेदर करो फैमिलीज को भी बनाओ बच्चों को भी मिलाओ हम सब करते थे बच्चों को भी बुलाओ बीवियों को भी बुलाओ वाइफ्स को भी बुलाओ स्पॉट हस्बैंड्स को भी बुलाओ फैमिली गेट टुगेदर करो कहीं ना कहीं मौके इनाम भी दो पढ़ाई भी दो ट्रेनिंग भी दो वेलफेयर भी करो सुनवाई भी करो मेडिकल भी दिलाओ ट्रांसफर भी करो रेस्ट भी दो ये बहुत सारे टूल्स हैं कोई ना कोई टूल यू आर लाइक अ डॉक्टर यू एक ही दवाई समय नहीं चलेगी सो यू हैव टू सी लेकिन डॉक्टर जब हॉस्पिटल राउंड ही नहीं लेगा पता कैसे चलेगा मेरे किस पेशेंट को क्या चाहिए घर में बैठ के सबको प्रोसीजर दे देगा जब वो राउंड लेगा तो उसका उसको प्रोसीजर चाहिए उसको एंटीबायोटिक चाहिए उसको सिर्फ
एक आईवी चाहिए, इसमें तो डिस्चार्ज चाहिए जी, ये तो ठीक है, तो क्यों बेटे हुआ? सो इट्स अनलेस द डॉक्टर मूव्स अराउंड द हॉस्पिटल, हाउ विल डॉक्टर गेट यू? सो यू आर ऑल्सो लाइक अ डॉक्टर, यू हैव टू मूव अराउंड योर बैरिक्स एंड सी व्हाट इज नीडेड. यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर इन यूनिफॉर्म इन काकी, ही इज अ डॉक्टर इन व्हाइट कोट, यू आर अ डॉक्टर इन काकी. दैट्स हाउ आई ऑलवेज फेल्ट, आई एम अ डॉक्टर इन काकी, इसलिए मैं सेवा के लिए निकली. और अक्सर ये खाती हूँ तो तुम्हारा व्हाइट, मैं डॉक्टर को बोलती थी तो व्हाइट पहन के मैं खाती पहन के बात देती, तो पेशेंट को ट्रीट करते मैं पब्लिक को देखती, मेरा इजी है, मेरी पब्लिक बीमार नहीं है, तुम्हारी तो बेचारी बीमार है, उनको करते मेरे तो बीमार है, मैं हेल्दी है, उसको हेल्दियर करूँ. इट्स हाउ काइंड ऑफ टूल्स यू कीप टू कीप योर पब्लिक हैप्पी. सो जितना उनके साथ मिलोगे, खेलोगे, बात करोगे, सुनोगे, सेलिब्रेट करोगे, चाहे स्टाफ है चाहे पब्लिक है, मौका ढूंढ के करो. ओके, अब आपके लिए कुछ दूँ आपको, सब इसको ध्यान से पढ़ना, ये मैंने आपको जो सेट दिया ऐसे जाके रख नहीं रखना, इसको ध्यान से. आशा, यू कैन टेल देम व्हाट दिस इज. वी हैव डॉक्यूमेंटेशन विच इज a big forte of the team under ma'am's leadership, because she's taught us to document everything, newspapers, blogs, tweets, work done, daily work. So we have a documentation where all the news clippings related to the last 3 years of work were there. So these are the main headings, the main events. So if we go through this, it's a ready reckoner. You don't need to remember or anything. It's just a ready reckoner of what all happened. And as with all our publications, we are not attempts to praise ourselves. There are a lot of things which are anti-Raj Nivas. Somebody would have said something wrong about it, about ma'am's work, about the functioning under the administration. Everything is mentioned. You know, like any other team, when she said, ye nikali aap news ke headlines, we took all the nice ones, achche achche wale and all. She said, nahi, 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 we are not doing a fan club here. This has to be a document. So, beech beech mein aap dekhenge, kahin cartoons bhi hain, jahan madam ke upar bane the. Political parties ke or newspapers ke. So we call this tracking news because it gives us all the news which happened during this period. So if we have something like this, it gives us an idea of what happens. And this is water rich community. Aaj Government of India is talking about Jal Shakti Abhiyan and Jan Shakti for Jal Shakti, saying water is precious. Well, Pondicherry with Dr. Kiran Bedi, we did it last year itself. So this is a collaborative measure. Every Saturday, Sunday, jo madam bata rahe the round school, we go on Saturday, Sunday at 6 o'clock, led by ma'am. And we go cycling, bus, and other ways. So this is a short document. It shows that how all the water bodies, water is a problem. In Tamil Nadu, it's a big problem. But Pondicherry, we are very fortunate because in 2018, we have already done. So all our channels and everything were cleared. Just like any other body which is there, government agency, funds is a problem. बट मैम बोलते हैं स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, डोंट से ये नहीं है वो नहीं है, क्या है उसके साथ शुरू करें. सो वी डिड ऑल दिस विथ कॉर्पोरेट सपोर्ट. ये सारे चैनल्स, ये सारे पानी के टैंक्स, पॉन्ड्स, एवरीथिंग वॉज डन विथ कॉर्पोरेट सपोर्ट. वेन एवर समबडी कम्स एंड मीट्स मैम एंड सेज वी आर इंस्पायर्ड बाय यू, वी सेड ओके व्हाट कैन यू टेक फॉरवर्ड दैट इंस्पिरेशन. इट्स नाइस टू से आई एम इंस्पायर्ड, बट कैन वी हैव दैट इन एक्शन प्लीज. सो देन वी हैव हैड, एंड देन मैम बिलीव्स इन ग्रैटिट्यूड. शी सेज अगर कोई कर रहा है, whether he's a small person or he's a big person. So somebody who's given 6 lakhs is also mentioned here, and somebody who's just done the graphics or somebody who just translated, their name is also there on the same page. That's what ma'am believes. Everybody's gratitude should be recognized, right from the creative team to the writer to the people who paid money. No one is important or no one is less. Everybody is a part of the team. So jab wo ho jata hai, then everybody is working with their full enthusiasm. And we have given, there's a lot of thinking, government, how can we recognize corporate, you know, hum log bhi Raj Nivas, we are like, how do you recognize corporate, so kaise ya, how can you put their logos, will it not amount to a kind of like favors received? So she said, nothing, we have not taken money, it has gone for public good, so it's okay to ask. All the corporates who helped us, their logos are there, their names are there, and then ma'am gave them some awards called Swachhta Hi Seva Awards. So that also is there. We called them to a function in Raj Nivas and Bakayada Unka Samman Kiya Madam. So she says there's nothing wrong about asking. There is a, we were like, how do you give awards? She said, no, we will give awards. So she gave awards. And getting awards by Dr. Kiran Bedi for doing public
participation. And iski wajah se pani, pondi, we don't have any water issues. Whereas just 160 kilometers away, in some cases just 40 kilometers Tamil Nadu away, we have severe water crisis. But pondi, we've already done what India is realizing to do. And it's all with public participation, no government funds involved. So when ma'am told us ki apne ko ye karna hai Rajivas mein, so it's quite difficult for us to understand ki aap kisko phone karke bolenge ki aap ye kehna clean karna hai, iske 4 lakh hai, iske 5 lakh hai. So jab madam ne instruction di, she tweeted, jaise hi madam ne tweet kiya, we had the first offer from Satyabama College. Immediately on the tweet only they answered. That is the trust they have in madam. Kyunki madam koi kaam kar rahe hai to it will be good. So they tweet, on the tweet we got it received, but then iske baad it was quiet. She said ring up industries. We were a little apprehensive ki kaise phone kare yaar aadmi se. Then ma'am said ye log kuch nahi karenge, so number leke aao, phone milao. I am Dr. Kiran Bedi speaking and I need money to do this. And we were like, Lieutenant Governor is asking this on the phone. And then we learned, Team Rajivas learned another lesson, ki kisi se kuch maangna galat nahi hai. Aap khud ke liye maange to galat hai, aap public ke liye maang rahe hain, we are not taking the money. She said, wo vendor hai, wo contractor hai, wo jagah hai, wo aap karo, aapke contractor se karo, mujhe ye kaam karna hai. So then after that one phone call, ma'am made the first phone call to an industrialist and made it, and then we were like, nahi nahi, aapne kari, we do it. And then the team took over. So that was another lesson we learned, that it's okay to ask. Aap khud ke liye maang rahe hain, that's corruption, but if you're asking for public service, that's okay. And it's documented. So that's another lesson. This is the story of water rich Puducherry. And these are all the practices, what we've learned, what has been envisaged by ma'am. This is the think tank and all of them are there. So you can see these 18 practices. Very short notes on each thing. It is almost how you start the day. 9 o'clock morning she has a 101, then she visits the field. Ma'am believes a lot ki aap field visit karein, jab tak aap field pe na jayenge aapko kuch nahi samajh mein aayega. So most of our times on Saturday, Sunday, we are up at 6 o'clock. Other days we come to office at 9:30. So 6 to 10, 11 ma'am is in the fields. And what we learn on Saturday, Sunday is what we do during the week. She says, aap field mein nahi jayenge, then we will not understand anything. She said the senior most officer has to be, we were like, does the lieutenant governor have to go to the field? We've not seen that happen. She says, no, those sabse uncha adhikari hai, wo jab field pe jayega, tabhi kaam hoga. And we've seen it happen. Water rich Puducherry is one, and kai aise practices. I'm sure aap this book pe you'll go through, you'll understand. And there is also another thing about opening the Radhivas. Madam ne isko people nivas bana diya, it's a jan nivas. People come, we have 12 to 1, it's a tour. Anyone can, today we don't have posters. You can just register online. Koi recommendation nahi chahiye, koi jankari nahi chahiye. Aap Radhivas ki website pe jaiye, tour registration, you can register. You'll come, there's a very mandatory check there. You check and the people walk around. If ma'am is free, jarur milte hai ma'am. Her visitors se milte hai, and for people to come and meet and have a photograph with Dr. Kiran Bedi, it's a big inspiration. So this is Monday to Saturday, ye toh continuous hai. Whether madam is there, not there, you don't have to know anyone. Nahi toh kahin bhi andar jaane ke liye koi jankari, no jankari, nothing, not required. Sometimes though they come at 12 o'clock, they ask the guard and the guard says, acha aap is group ko join kar lijiye, and they just join the group. So people are walking inside and we've over various things. We have something called the Radhivas film series, jahan hum bachon ko movies dikhate hain. The latest movie we showed was Puri in the lawns. And we bring children from villages, special children, differently abled children. We've shown Dhoni, Uri, Lakshya, and also we show Ice Age 4. She said, don't show, no. When she said, movie dikhayenge Radhivas mein, we generally thought, ye government of India ki documentary films dikhani padenge. She said, no, don't show boring stuff, show interesting movies. So we've shown a lot of interesting movies, Life of Pi, and all very popular movies. Uri is very recent, and we got permission and we had shown that in our long, just last week. Kargil Divas tha last week, so we see on that occasion we had shown. We have something, then we have something called the lecture series, just my ma'am calls prominent people to come and address. We've had one of the most prominent was Sadhguru Jaggi Vasudev. We had him here and niche lawns mein karte hain, we call around 400 people. Then we've had Mr. Maxwell Pereira, who spoke about the investigation of Tandoori murder. So he spoke, so every person from their own expertise has been addressing. We've had management experts, we've had Mr. Devashish, who's the director from IIM, we've had Mr. Rajiv Peshavriya, who's an expert in management in Southeast Asia, he's based out of Malaysia. So
like this, we have different people, and according to that, we call different audiences. And for a place like Pondicherry to have such speakers, it's very enriching, certainly. So that is another incentive, another initiative. And then, of course, Madam uses technology. Jha Ma'am works in technology, we are all connected on WhatsApp groups. And I think this is one officer where even in a meeting, if you're doing something on your mobile, she's okay because you're working. So this work has to be done. And morning, most of the time, before we come at 10, all the instructions are already there in the group, so we know what to do. This technology, and she's quite okay. Ma'am is quite okay agar aap unko WhatsApp and message bhele, everything. It's not like left and down. She says work has to happen. And that gives it a certain speed and transparency, because if you send something to Ma'am, Ma'am will just take a screenshot and forward to the respective groups, and vice versa. So there's a lot of transparency, there's a lot of speed. We have a grievance number which is there on WhatsApp. All that is mentioned here. Documentation is something very important which Ma'am follows. And then we have a very unique program called the internship program. The only Raj Nivas, I presume the first Raj Nivas, if somebody wants to do best practices sharing, that's okay. Where Ma'am takes students. So we have students who come and they intern, like regular corporates. We have students who come and intern with us during their vacations, in whatever is their field of expertise. And they learn from it. For us also, it's like having new youth with us, so it gives us some kind of new energy. So till now, we've had 46 interns over 11 states who interned in the last 3 years. On and off, we have Ekko. Jab summer tha, we had a longer vacation. Joy is one of our senior interns who is specializing in photography, so he helps the media team. We have Riddhi, who's just going to join undergraduation. She conducts the tour programs. So all interns, they help us to do work also, and they also learn from it. Yeah, this is another novel idea where Ma'am says you should involve the youth. And this is the Jan Shakti Abhiyan, jo ab shuru hua hai. So we are giving a lot of support to that. And then we have current program Mission Dream Probationary. Because water ka to hum log ne pichle saal hi kar liya. So now Madam is saying we have to start planting trees. So every Saturday, Sunday, Ma'am is all over planting a lot of trees. And we've revived extensively 3 water bodies. One through an excellent manner called Kanakane. All the stories are there that we can have a look. Yes, Asha, spend a little time. It's been an honor to meet Kiran Bedi ma'am, and this session has been very interactive, a long learning experience, especially her ideas of having one-to-one sessions with the crowd and with all important secretaries and government departments, and how she incorporates her personal self into bringing out the best in Puducherry has been a very learning which we will carry forward with us. Thank you. Relax, enjoy. Thank you. Thank you.